जया बच्चन को पैप्स पर गुस्सा करते तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आज अपनी बेटी और नातिन पर भी उनका गुस्सा देख लीजिए। कॉफी विद करण में नीतू सिंह से कहा था कि वो जानबूझकर गुस्सा करती हैं। अब व्हाट द हेल नव्या सीजन 2 के एक एपिसोड में जया बच्चन अपनी बेटी श्वेता से बात करते बुरी तरह चिढ़ गयी। उन्हें इतना गुस्सा आ गया कि जवाब देना ही बंद कर दिया। इस एपिसोड में उनके नाती अगस्त नंदा भी नजर आए। व्हाट द हेल नव्या के लेटेस्ट एपिसोड में इस बार आज के जमाने के मर्दों पुराने जमाने के पुरुषों पर बात चल रही थी। अमिताभ बच्चन के नाती और एक्टर अगस्त नंदा पहली बार महिला वी ग्रेड के बीच मेहमान बनकर आए थे। नव्या ने पूछा, अगस्त क्या तुम्हें लगता है कि पुरुष अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं? जया बच्चन बोली, बहुत ही पर्सनल है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगस्त बोले, हर किसी के चीजें अंदर रखने का एक लेवल होता है। किसी को लगता है मैं सामने वाले को परेशान न करूं, किसी को लगता है कि पता नहीं मेरी बात वो समझ पाएगा कि नहीं। श्वेता बोली, मुझे लगता है कि आज के पुरुष इस बारे में ज्यादा बोलने लगे। जया बोली, श्वेता मुझे लगता है कि सभी लोग अब इस मुद्दे पर ज्यादा बात करने लगे हैं। लोग डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं, मैं ज्यादातर लोगों को मेंटली सुनते देखती हूँ। श्वेता बीच में ही माँ की बात को काट देती है और बोलती है, लोग नहीं, आप हर वक्त ये बात बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। जया मुंह बनाकर बोलती है, हाँ मैं ही ज्यादा बोलती हूँ। तब तक नव्या धीरे से श्वेता से कहती है, बहुत हिम्मत है जो आप इनसे बात कर रही हैं। जया बच्चन का मुंह बन जाता है और वो कहती है, ठीक है मुझे ही चुप करा दो। और नव्या पर अच्छा खासा गुस्सा उतार दिया जया ने। बोला, यहाँ पर मजाक बनवाने के लिए आई हो। जया बच्चन के गुस्से का कुछ कहना ही नहीं, कब उनका गुस्सा किस पर हावी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और वो उनके बच्चे भी हो सकते हैं। जया इस बार अपनी बेटी श्वेता नातिन नव्या पर भड़क उठी। श्वेता बोलती है, मैं आपको चुप नहीं करा सकती, मैं होती कौन हूँ आपको चुप कराने वाली, आपको तो बोलना ही चाहिए। नव्या बात को संभालती हुई बोलती है कि लोग मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं। नानी सही बोल रही है, हम लोग रोजाना 100 चीजें झेलते हैं। इसके बाद श्वेता कहती, बोलिए मम्मा। जया मुंह घुमाकर बैठ जाती है और बेटी की तरफ एक बार भी नहीं देखती है। जया बोलती है, नहीं मेरी बात खत्म हो गई, आप तो तुम ही लोग बोल लो। जया गुस्सा हो जाती है और कहती है, नहीं मैं बोल चुकी। श्वेता कहती है, बहुत गलत बात है। नव्या और अगस्त हंसने लगते हैं। जया नव्या को हंसने पर घूरती हुई डांट कर बोलती है, मैं अगस्त की बात पर हंस रही थी। इस पर जया और भड़क जाती है, बोलती है, तुम सीरियसली डिस्कस कर रही हो या फिर मजाक उड़ाने के लिए आई हो, मेरा मूड खराब कर दिया है। नव्या बोलती है, सीरियसली। जया बोलती है, आज समाज के लिए बेहद परेशान करने वाली चीजें, चाहे वो मर्द हो या औरत, फिजिकली मेंटली झेलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। घर हो या बाहर हो, जया बच्चन का गुस्सा कब उन पर हावी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बच्चन परिवार ने जया के गुस्से के आगे खुद को ढाल लिया है और अब तो लोगों को भी जया का खड़ूस अंदाज सबके सामने आ ही गया है। जया अब तक बहू ऐश्वर्या के दुश्मन बनी हुई थी, वो कहीं भी ऐश्वर्या पर हावी हो जाती थी और अब नातिन और बेटी पर भी हावी हो गई। जया ने ये भी नहीं देखा कि वो कैमरे के सामने क्या बोल रही है, कहां बोल रही है और कैसे बोल रही है। नव्या के शो में ही नातिन नव्या की क्लास लगाने लगी। जया बच्चन नातिन पर डांट लगा रही, जया को लोग ट्रोल करने लगे। किसी ने कहा, बच्चों को तो बख्श दो। किसी ने लिखा, ये औरत आखिर किसी एक शख्स से भी खुश होगी, सबके साथ ऐसा ही बर्ताव करती है। जया ने नाते नव्या के कैमरे के सामने क्या शब्द बोले। दरअसल नव्या के शो में पुराने और नए जमाने के शख्स के मेंटली और फिजिकली बर्ताव पर बात हो रही थी। तभी श्वेता बोलती है, मुझे लगता है कि पुराने लोग अब ज्यादा बोलने लगे हैं। जया बोलती, नहीं अब तो सब लोग बोलने लगे। श्वेता कहती है, मुझे लगता है कि सब नहीं, आप ज्यादा बोलती हैं। अब जया का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और नव्या से बात को समझा है। नव्या कहती है, नहीं नानी आप ठीक कह रही हैं, पुराने लोग ज्यादा बोलते हैं। नव्या की बात पर नानी और भड़क जाती हैं और बोलती है, मजाक उड़ाने के लिए आई हो या सीरियस डिस्कस करने आई हो। नव्या कहती है, नहीं नानी मैं तो सीरियस बात बोल रही हूँ। तो जया कहती है, शायद तुम लोग ज्यादा जानते हो। श्वेता नव्या हंसने लगती है। दोनों को हंसते देख जया और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, भड़क जाती है और मुंह बनाकर बैठ जाती है। उसके बाद एक शब्द भी नहीं बोलती है, जबकि श्वेता उन्हें मनाती है कि मम्मा बोलो ना। जया साफ मना कर देती है कि मुझे अब कुछ नहीं बोलना।